हेलो गाइस, आप सभी को रैमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज आपका क्लास नंबर 2 है फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक्स को समझने की कोशिश करी कि आखिर वो होते क्या हैं, और उस पर बेस हमने कई सारे क्वेश्चंस किए जो इस साल एसएससी सीजीएल टियर 2 में आए थे, मेंस में आए थे, और बहुत आसानी से वो क्वेश्चन निकले। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले आपको मैं ये एक बात बोलूँगा कि आप लोग एप्ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को और क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये कोर्स दोनों चैनल्स पे चल रहा है, अल्टरनेट टॉपिक्स चैनल्स पे कवर हो रहे हैं, तो दोनों को फॉलो करना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं, उसके थ्रू आप पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लाइक SICI का आपको पिछला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और अगर पुराने वीडियो देखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, रेशियो प्रोपोर्शन के, परसेंटेज के, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे बारे में आप थोड़ा यहाँ से जान सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप एप्ट्रिक्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्स रिलेटेड डिस्कशन आप वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने जो कह रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। सवाल देखिए यहाँ पर है कि आपका रिएक्शन इस क्वेश्चन में फास्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो जब आप सिंपलेस्ट केसेस को फास्ट कर पाते हो ना, तभी आप कॉम्प्लेक्स केसेस को भी फास्ट कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स जब केसेस होते हैं, थोड़ा बड़ा सा सवाल होता है, वो क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपका रिएक्शन सिंपल, कई लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कहते हैं ये कौन सा सवाल है भाई, ये तो हम कर ही लेंगे। सवाल ये नहीं कि आप कर लोगे, सवाल ये है कि क्या मेंटली आप इस क्वेश्चन को देख कर रिएक्ट कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आपको सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको जल्दी करना था। कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है जो 7/6 हो जाती है अपने खुद का 3 ईयर्स में, इट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना कि कोई भी नंबर अगर 7/6 ऑफ इटसेल्फ हो जाती है, इसका नंबर आप ऐसे सोचते हो कि अगर कोई नंबर 6 है तो वो इसका 7/6 टाइम्स हो जाएगी, यानी 7 हो जाएगा 3 साल में। तो टाइम पीरियड 3 ईयर्स हुआ और ये वैल्यू क्या हुई, 1। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है कि चेंज ऑफ 1/6 इन 3 ईयर्स। ये कहानी 3 साल की है सर। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो फिर मुझे 1 साल की कहानी चाहिए। 1 साल की कहानी आपकी हो जाएगी 1/18। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100/18 हो जाएगा। 100/18 को आप 50/9 भी लिख सकते हो। 50/9 आपका हो जाएगा 9 5 45 5 रिमाइंडर, और ये हो गया 5 5/9 परसेंटेज। ये हो गया। आप यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 3 साल का अगर 1/6 है तो 1/6 आपका लगभग 16.66% हुआ। इसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो देगा पहले के अलावा भाई। इसको मल्टीप्लाई का अगर हमने किया, ठीक है, 16.66% दिया हुआ है, हम इसको 3 से अगर डिवाइड करने जा रहे हैं तो हमें 5 point something परसेंटेज मिलेगा, जो कि केवल पहला ऑप्शन दे सकता है और कोई भी ऑप्शन नहीं दे सकता। इसलिए इसके अलावा कुछ करेक्ट नहीं हो सकता है। आप सिंपल क्वेश्चंस पे अपने रिएक्शंस को बेहतर बनाइए, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 different sources ऑन ₹1500 फॉर 3 ईयर्स इज ₹13.50। आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ये क्वेश्चन आपको देखते हुए मार्क करना है 0.3%। डरिएगा मत, मैंने कैसे मार्क किया मैं पूरा समझाऊंगा आपको। तो देखिए, पहली चीज़ तो हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई जो डिफरेंस है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, फ्रॉम 2 different sources ऑन ₹1500। तो 1500 जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, दोनों के लिए सेम है, इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। तो जो ये इंटरेस्ट का डिफरेंस है 13.50 आपको जो दिया हुआ है सर, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये 0.9% है इस प्रिंसिपल का। 13.50 को ज़रा ध्यान से देखना, 1% 1500 का क्या होता है, 15, और ये 15 से भी कम है, कितना, 0.1%। 1.5 कम है ना, 1.5 इसका 0.1% होगा, यानी ये 0.9%। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 15 × 9 जो है 135 होता है, वहाँ से भी निकल आएगा कि ये 0.9% होगा। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है परसेंटेज टर्म्स में, वो मैंने निकाल लिया कि 0.9% है। ये जानते हैं क्या है, ये रेट का डिफरेंस है 3 ईयर्स का। मुझे 1 ईयर का डिफरेंस चाहिए, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.3% मिलेगा। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। अगर ये 1500 का अमाउंट आपने लिया सर,
और आपने कहा कि एक का रेट परसेंटेज है R1% और दूसरे का रेट परसेंटेज है R2%, तो पहले साल का जो डिफरेंस होगा वो परसेंटेज के टर्म में क्या लिखोगे आप, R1 - R2%। और अगर मैं यही 3 साल की बात करूंगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा R1 - R2%। वही तो बोल रहा हूँ मैं, इसको परसेंटेज में निकाल के 3 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आसानी से। तो ज़्यादा कुछ वेरिएबल लेके नहीं चलना है, आसानी से ओरली आंसर मार कर पाओगे अगर आपके परसेंटेज स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए सम ऑफ ₹1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252 इन 2 years 3 months। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, आंसर इसका होगा 7%। कैसे लगाना है ये आपको समझाता हूँ। देखिए 1600 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका दिया हुआ है वैल्यू इंटरेस्ट की। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि क्यों ना इस इंटरेस्ट को हम निकाल लें कि भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना है। वो कैसे निकलेगा, आप कहोगे कि 252 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है ना, ये 2 years 3 months का है। 2 years 3 months को ईयर में आप 2.25 years लिख सकते हो। कैसे लिखा भैया मैंने, 3 months होता है 1 quarter, खंबे वाला क्वार्टर नहीं, 1 साल का 1 quarter, 3 महीना 1/4। तो 1/4 को ईयर के टर्म में 0.25 years बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको 2.25 लिखा। अब फिर आप इसको डिवाइड करो, देखो ज़रा 100 times कितना होगा, 225। तो 100 times आपका 225 तक ही हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमें तो और आगे जाना है। कितना आगे जाना है, आप कहोगे मुझे 27 और चाहिए। इस वैल्यू का 4 times 9 देता है, 27 चाहिए तो आपको कितना टाइम जाना पड़ेगा, 12 times। यानी ये हो गया टोटल वैल्यू जो आ गई 112 आ गई डिवाइड करने के बाद। अब आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है सर, तो आपको यही निकालना है कि 112 इस 1600 का कितना परसेंटेज है। साफ साफ दिख रहा है कि 7% है और ये इसका आंसर हो गया। डिवीजन के टाइम पे आप ये भी कर सकते थे कि 2.25 को आप 9/4 भी लिख सकते थे अगर आप चाहते तो, ऐसे भी हो जाता। या एक तरीका और भी था कि आप सिंपली इसको ही परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करके फिर 2.25 से डिवाइड करते। जो भी करना है करो, आंसर ओरली ही निकलना चाहिए। ऐसी कैलकुलेशंस की आदत होनी चाहिए कि आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है ए सम ऑफ ₹1550 वॉज लेंट पार्टली एट 5% एंड पार्टली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years इज ₹300। तो बताना है रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 5% टू दैट ऑफ 8% ये क्या होगा। देखिए आपको कितना भी टाइम लगे, मेरे को इतना ही टाइम लगता है इसको आंसर मार्क करने में। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा लंबा वाला तरीका, फिर आपको बताऊंगा मैं छोटा वाला तरीका। ठीक है, ज़रा देखते हैं। तो 2 तरीके बताता हूँ, लंबे वाले पहले और फिर छोटा वाला तरीका बताता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन ऑल दो मैंने पढ़ाया नहीं, बट मुझे पता है आपको बेसिक एलिगेशन पता होगा। तो एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, 2 तरीके से एलिगेशन लग सकता है। सीधे रेट्स पे लगा सकते हैं एलिगेशन। देखो 5 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो। अब ये निकालो कि ये इसका रेट क्या है। ये 300 है 3 साल का, 1 साल का कितना हो गया आपका 100। सो अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू जो दिख रही है ना 100 का निकालना है कि परसेंटेज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू 1550। आप कहोगे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करने पर मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है 100 का 155 पे रेशियो निकाल रहा हूँ। अब 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 2/31 आ जाएगा। परसेंटेज निकालने जाऊँगा तो ये 200/31% आ जाएगा। मैं आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको 200/31% यहाँ ऐसे ही लिखता हूँ एज इट इज़। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब भी फ्रैक्शन है उसको हटाना है तो आप क्या करो, LCM से मल्टीप्लाई करते हैं सबके डिनोमिनेटर के। यहाँ LCM में सबके एक एक नंबर दिया हुआ था, सबके डिनोमिनेटर में यही 31 आ रहा था। तो मैंने कहा 31 से सीधा सबको जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 31 टाइम्स 5 आपका कितना हो गया 155। और यहाँ पर गए 31 टाइम्स 8 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 31 टाइम्स आप 8 निकालोगे तो कितनी पर्टिकुलर वैल्यू आपकी आएगी, आप ज़रा बताइए। तो 31 टाइम्स 8 निकालो आप, तो आपका हो गया 248। ठीक है, 31 टाइम्स 8 आपका 248 हो गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके ज़रा देखना, तो यहाँ 48 आ गया और यहाँ आपका 45 आ गया। इसका रेशियो क्या आ गया, 16:15। लंबा वाला तरीका। दूसरा लंबा वाला तरीका एक और हो सकता है कि आप सीधे इंटरेस्ट निकाल लो। भाई 3 साल का इंटरेस्ट 300 है तो मिडिल वैल्यू कितनी होगी 100। 1 साल का इंटरेस्ट, फिर आप 5% निकाल लो 155 पे। ठीक है, कि अगर टोटल 5% पे इन्वेस्ट किया होता तो कितना इंटरेस्ट मिलता। आप कहोगे 10% 155 है, हाफ ऑफ इट विल बी 77.5। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आपके अपने 8% निकाला इसी पर्टिकुलर वैल्यू का। अब 8% आप निकालोगे तो आप कहोगे कि भाई 10% मेरा कितना आ रहा है 155, इसको मुझे 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
ये वैल्यू आपको देगा 120 प्लस आपका मिल जाएगा 4, 124 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब जरा डिफरेंस निकालना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 24, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई डिफरेंस देखिए 22.5, फिर से आपका वही आ गया 48:15 और आप 45 यानी 16:15। ये दो तरीके हुए, लेकिन मैं इन तरीकों से सेटिस्फाइड हूँ नहीं, ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है ऐसे तरीके। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ। आपको अगर याद हो मैं आपको एक चीज़ समझा चुका हूँ, वो चीज़ ये थी कि भाई जब भी हम बात करते हैं मिक्सिंग की, किन्हीं भी दो कंपोनेंट को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो ये केस क्या होता है, एवरेज का केस होता है। अब यहाँ पर देखिए 5% आपने दिया, यहाँ पर आपने मुझे 8% दिया, और ध्यान से देखना कि इसकी मिडिल वैल्यू कितनी होगी 6.5%। लेकिन मुझे पता है मिडिल वैल्यू तभी एवरेज हो सकती है जब इनका रेशियो 1:1 हो। मैंने कहा ठीक है 1:1 नहीं, लेकिन देखते हैं क्या। आप कहोगे एक साल का इंटरेस्ट 100 है, तो 100/155, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो आया था 200/31%। अब जरा एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 200/31% की, तो सिंपल सी स्टोरी क्या है कि ये अल्टीमेट वैल्यू अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मुझे ये देगा 100/15.5। मुझे पता है जब 100/15 होता है ना तो वो 6.6% आता है। ये 100/15.5 है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ेगा तो परसेंटेज थोड़ा कम होगा, तो 6.66% तो तब होता जब ये 100/15 होता, यानी ये और इसके करीब है। तो ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि मेरा जो एवरेज वैल्यू परसेंटेज की आ रही है, परसेंटेज रिटर्न जो है वो 6.5 के बहुत करीब है, वेरी क्लोज टू 6.5%, ऑलमोस्ट मिडिल। ऑलमोस्ट मिडिल का मतलब मेरा रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 होना चाहिए, जो कि केवल डी ऑप्शन है। इसको आप 1:1 ऑलमोस्ट तो नहीं बोलोगे, ये तो कतई नहीं बोलने वाले, ये बोलोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। डी ऑप्शन ऑलमोस्ट 1:1 मुझे दिख रहा है, इसलिए सिर्फ डी ऑप्शन सही हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिक का इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो विजुअली क्वेश्चन को मार कर पाओगे बिना किसी कैलकुलेशन के। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फायदे ही क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम। इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल देन रेट परसेंट इज 8%। देखिए कितना आसान सवाल है, 16/25 जब बात कर रहा है कि ये आपका जो है सर्टेन सम पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना आया। 1/25 आपको पता है 4% होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज के लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं। 1/25 4% है, तो 16 × 4% कितना हो गया 64%। सर आप अब कह रहे हो कि 64% का टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपने ये भी बता दिया कि जो रेट परसेंट है और जो टाइम है वो बराबर है। आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता क्या है। अगर आपने कहा कि टाइम आपका टी ईयर्स है और रेट आपका आर है, तो आर इंटू टी परसेंट क्या हो जाता है, टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। सिंपल सी कहानी है, 5 साल आपने बोला और 6% का इंटरेस्ट बोल दिया पर ईयर, 6 × 5 = 30%, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट क्या होगा 6% ऑफ प्रिंसिपल 30% हो गया। तो आप ही बताओ 64% टोटल चाहिए और आप कह रहे हो टाइम और रेट बराबर है, तो एक ही तो पॉसिबिलिटी बने जब 8 × 8% करें हम, यानी 8 ही हमारा ईयर हो, 8 ही हमारा टाइम हो, तभी आंसर होगा। आंसर दिख गया 8%। इतना आसान सवाल है, इसमें कोई फार्मूला वार्मूला अगर रहता हो ना तो भूल जाना, आज बोझ हल्का हो जाएगा दिमाग का और आप और हेल्दी महसूस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। फिर कह रहा है आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट बिकम्स 5:7। तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हो गया 5%। अब समझाता हूँ कैसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ टाइम पीरियड है, पता नहीं कितना टाइम पीरियड है, और ये कह रहे हैं इतनी देर में ये 4-5 हो जाता है, टाइम पीरियड टी है। आपको अगर 4-5 हो रहा है, इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि 25% का इंटरेस्ट है टोटल, कितने साल का है नहीं मालूम। फिर आप करो कि अगले केस में कह रहे हैं 3 साल और आगे निकल जाओ, मतलब यहाँ से 3 साल और आगे निकल जाओ अगर, ये जो रेशियो है 5:7 हो जाता है इस प्रिंसिपल का अमाउंट से। आप कहोगे ये वैल्यू क्या है, चेंज ऑफ 2/5, यानी ये वैल्यू टोटल क्या है 40% है, जिसमें इतना मुझे मालूम है कितना होगा 25%, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, सेम टाइम पीरियड तो सेम परसेंटेज इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 15%, टोटल 40% है सर, इतना आपका 15% है, इतना आपका 25% है, तो ये आपका 15% हुआ। तो 3 साल में अगर 15% है तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा सर, 5% दिख रहा है, हो गया आंसर, कोई तकलीफ है, होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। देखिए परसेंटेज के टर्म में सोचने से थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिलती है दिमाग को, आप चीज़ों को मेंटली और क्विकली कैलकुलेट कर पाते हो। मैंने आपको बोला था फ्रैक्शंस में ऑटोमेटिक रिएक्शन लाई है, इसीलिए बोल रहा था ना, 4 से 5 हुआ तो 25%, 1/4, 5 से 7 हुआ तो 40% चेंज,
इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है, 3 साल का, तो उसका मतलब वो एडिशनल जो 15% आ रहा है 15% इंटरेस्ट, वो क्या होगा, वो 3 साल में आ रहा होगा। 3 साल का 15% तो 1 साल का 5% हो गया ना, कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही मार्क करोगे आप, ओरली पढ़ना और मार्क करना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है कि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट व्हिच इज ड्यू इज रुपीज 848 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का जैसे ही होता है आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, दिल दहल उठता है, भय लगता है, डर लगता है। पर देखिए ये कब होता है ना, जब आपको समझ ही नहीं होती कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट की समझ है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सीधे आंसर लगाना है कि इसका आंसर सिर्फ हो सकता है 200। समझाता हूँ कैसे, पहले आपको इंस्टॉलमेंट की एक समझ देता हूँ। मान लेते हैं कि आप ना कार खरीदने गए, डरिए मत, आप सोच रहे हो कि कार अभी जॉब लगी नहीं हो, कार की बात कर रहे हैं, लगेगी, मेहनत करोगे सही से सीखोगे तो बिल्कुल जॉब लगेगी, तो कार भी खरीदोगे किसी ना किसी ने। तो जब आप कार खरीदने जाओगे ना तो थोड़ा इंस्टॉलमेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अब देखिए आपसे एक सवाल मेरा है छोटा सा, ये कह रहे हैं 848 रुपीज़ ड्यू है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, मतलब टोटल अमाउंट जो ड्यू है आपका 4 साल के अंत में वो 848 है। अब आप जब कार लेने गए तो इसको थोड़ा देर के लिए ऐसे मान लो कि 848,000, 848 रुपये में तो खिलौने वाली कार मिलती है, लाख लगा लो, 848,000 अच्छा लगेगा, ठीक है। तो गए आप, अब उसने कहा देखो 4 साल के एंड में आपका 848 ड्यू है, सर एक काम करिए ना आप 4 इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर दीजिए, हर साल एक एक इंस्टॉलमेंट दे देना, 848 डिवाइडेड बाई 4, तो आपको वो कहेगा 212 पर ईयर आप दे देना। आप जब इंस्टॉलमेंट का ज्ञान ही नहीं है, मैथ तो आपने पढ़ लिया, इंस्टॉलमेंट समझ ही नहीं पाए, तो वो जो भी डीलर है वो आपको उल्लू बना रहे हैं, कैसे लॉजिकली सोचोगे समझ में आ जाएगा। अरे भाई इंस्टॉलमेंट हम क्यों देते हैं, इंस्टॉलमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि जो टोटल ड्यू अमाउंट है जो बिना इंस्टॉलमेंट दिए हुए होता वो कम हो सके। मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहूँगा तो मेरा प्रिंसिपल कम होता रहेगा, इस तरह की कहानी होती है ना कुछ। तो इससे होता क्या है अल्टीमेटली कि मुझे जो टोटल ड्यू 4 साल के अंत में पे करना होता मुझे अब उससे कम पे करना पड़ेगा इन टोटल, तभी इंस्टॉलमेंट देंगे ना, वरना क्यों देंगे भाई। टोटल ड्यू अमाउंट अगर 4 साल के अंत में होने वाला है 848, आप करो 4 से डिवाइड करके मुझे हर साल के अंत में दे दोगे, तो आप क्या कहना, बेवकूफ़ समझाए क्या, मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है, कि मैं अगर पूरा पे ही करना है मुझे तो मैं 4 साल के अंत में दूंगा ना तुमको, बीच में मैं थोड़ा मस्ती कर लूँगा, पार्टी वार्टी हो जाएंगी, ऐसे थोड़ा ना पेमेंट करूँगा मैं। इंस्टॉलमेंट तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ना अपनी मस्ती काट के, ताकि मेरा टोटल ड्यू अमाउंट कम हो ना, जो 4 साल के अंत में होता बिना इंस्टॉलमेंट दिए हुए। तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 4 करने पे अगर ये वैल्यू 212 आ रही है, तो जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे एनुअल तो वैल्यू 212 से कम होगी, तभी तो इंस्टॉलमेंट का मतलब है, वरना क्या ही मतलब है। उम्मीद करता हूँ कि आज इस लेसन को देखने के बाद आप थोड़ा सा समझदार महसूस करोगे, और गुस्सा भी आएगी कि आज तक आपको कोई इंस्टॉलमेंट का एक्चुअल मतलब तो समझा ही नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूँ। ये क्वेश्चन तो भैया ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। दूसरी बात पे ये है कि अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करनी होगी तो कैसे करोगे। ये एक लॉजिक आप समझ गए कि जो टोटल ड्यू अमाउंट होगा 4 साल के अंत में, या किसी भी कैलकुलेशन में जो टोटल ड्यू अमाउंट बनेगा बिना कुछ पेमेंट बीच में किए हुए, उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, अगर मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट या कोई भी इंस्टॉलमेंट मैकेनिज्म में जाऊंगा तो मुझे वो वैल्यू उससे कम देनी पड़ेगी, तभी इंस्टॉलमेंट का मतलब है, वरना क्या ही मतलब है इंस्टॉलमेंट का, फिर तो इकट्ठे पे करेंगे हम, है ना। ये समझ में आया, तो ये सवाल हो गया, ठीक है। यानी इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं आता, अगर बेसिक समझदारी भी है तो ये सवाल निकल गया आपसे। एनीवेज अब मैं कैलकुलेशन पे वापस आता हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी आप इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करोगे, मैं अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा टाइम लिमिटेशन की वजह से, बट मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपसे कोई सवाल नहीं रुकेगा। देखिए यहाँ पर 848 क्या है, टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो ये आप उठा के यहाँ लिख दो 848, तो ये टोटल अमाउंट ड्यू है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। अब देखिए आपने अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स पे किए होंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट आपने कैसे पे किए होंगे वो मैं समझाता हूँ। पहला इंस्टॉलमेंट आपने दिया होगा बिल्कुल अभी, ठीक है, सॉरी आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने दिया होगा बिल्कुल अभी, तुरंत दिया होगा, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट आपने दिया होगा इसके 1 साल पहले, एक इंस्टॉलमेंट आप दिया होगा इसके 1 साल पहले, एक इंस्टॉलमेंट आप दिया होगा इसके 1 साल पहले, ये 4 इंस्टॉलमेंट लिख दिया। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपने ऐसे किया 4x = 848, तो गए आप 212 देगा, आप फिर से आप अपने आप से ये सवाल पूछना, भाई
क्यों इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, इकट्ठा ना पे कर दें, ये गलत है। अब देखिए एक चीज़ आपको समझना है कि जो वैल्यू होती है मनी की, ठीक है, वो आपको इंस्टॉलमेंट के केस में एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आज 100 रुपये मेरे पास हैं, समझ रहे हो आप, अगर आज की डेट में मेरे पास 100 रुपये हैं और ये 100 रुपये मैं उठा के आपको दे देता हूँ आज एज ए लोन, आप मुझे वापस जब करोगे ये अमाउंट कभी भी, तो आप 100 रुपये वापस नहीं करोगे, दोस्ती वारी वाला खेल नहीं है, कुछ इंटरेस्ट लगाऊंगा 10% का, तो एक साल बाद आपने मुझे कितना दिया, 110 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का जो अमाउंट था उस लोन को कवर करने के लिए एक साल बाद आपको 110 रुपये देने पड़ गए मुझे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 100 रुपये जो आज एक लोन का अमाउंट था, अगर आपने आज तुरंत लेके तुरंत वापस किया होता तो 100 में ही काम बन गया होता, एक साल बाद करने गए तो मैंने 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया, यानी उसी लोन को ओवर करने के लिए आपको 110 रुपये पे करने पड़े। यानी मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से बदल गई। मैं ये आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, आप अभी सोच रहे हो कि 100 रुपये अब 100 रुपये ही रहेगा, वो 110 रुपये कैसे हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए अगर आपको आज का 100 रुपये कल 110 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है, तो हुआ क्या इससे, एक लोन लिया था आपने, मेरी उधारी चुका दी, लोन खत्म कर दिया आपने मेरा जो लिया था, तो लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े 110, यानी 100 रुपये जो आपने मुझसे लिया उसको 110 रुपये दे के आपने बैलेंस किया। इसका मतलब यहाँ का 100 रुपया और यहाँ का 110 रुपये इक्विवेलेंट है। मैं उसी चीज़ को यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर लिखा कि ये टोटल अमाउंट ड्यू है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, ये अमाउंट तो आपने अभी अभी पे किया, एक्स ही रहेगा, लेकिन ये अमाउंट एक साल पहले पे किया है, तो जब मैं ये इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ उस टाइम पे, इस टाइम से एक साल बीत चुका है, अगर ये एक साल बीत चुका है सर, तो इस पर भी इंटरेस्ट लगा के इसकी वैल्यू लिखो, ये एक्स नहीं रह गया, आप ये वैल्यू आपकी हो गई 4% इंटरेस्ट के साथ एक साल बाद 1.04x। सिमिलरली ये जो वैल्यू आपकी एक्स है वो एक्स नहीं रह गई आपका, ये हो गया 1.08x, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, तो ये वैल्यू जब आपने पे किया और जब मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ तो अब तक 2 साल बीत चुके हैं, ये पहला इंस्टॉलमेंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और चौथा था, तो 1.08 इस पर भी लगाया मैंने 8%, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भैया, 1.12x, ठीक है, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको सही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस लोन को ख़त्म करना चाहते हो, जिस भी टाइम पे कर रहे हो, आप शुरुआत में कर रहे हो या अभी कर रहे हो या बीच में कहीं कर रहे हो, आपको सारी जो वैल्यू है मनी की, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पेड है या फिर आपका ड्यू अमाउंट है, उस टाइम पर लिखना पड़ेगा, और अगर आप लिखोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने एक्स 1.04x लिखा, 1.08x लिखा, यहाँ 1.12x लिखा, इसको कई तरीके से आप लिख सकते हो। आप ऐसा कर सकते थे कि आप कहते भाई ये इंस्टॉलमेंट पहला लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट मैंने 100 मान लिया, जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो 100 माना आपने, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 104% ज़्यादा, ये 108, ये वैल्यू कितनी हो गई 112, ठीक है। अब जरा आप इसको सम करिए और देखिए कितना आ रहा है, आप कहोगे ये वैल्यू आ रही है 424 करिस्पॉन्डिंग टू दिस, आपको 100 के करिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल लो, ये वैल्यू आ गई 200, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि देखिए यहाँ पर जो अमाउंट दिया था वो 848 ड्यू था 4 साल के अंत में, यानी आपको फाइनल ड्यू अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर प्रोवाइडेड था, ठीक है। जैसे लेट से कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में उन्होंने बोला कि आपने किसी से लोन लिया है, लोन लिया और 4 साल बाद की बात करेंगे, तो मुझे यहाँ पर जब हम लोन को इक्वेट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू लिखेंगे वहाँ पर, फाइनल वैल्यू, मैं आपको आगे के सवालों में भी ये चीज़ दिखाऊंगा। आपको करना बस ऐसे ही कि यहाँ पर x लिखा, इसको एडजस्ट किया, आज के समय की हम सबकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं बस, जब हम लोन को ख़त्म कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट एट डेट ऑफ 6450 ड्यू इन 4 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो फिर से वही कहानी, ए ऑप्शन, क्यों जी, आपका 6450 जो ड्यू है ना वो 4 साल के अंत में ड्यू है, 6450 ये आपका ड्यू अमाउंट है। अब 6450 अगर आपका ड्यू अमाउंट है सर एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, जो ड्यू है इन 4 ईयर्स, अब आप मुझे ज़रा बता दो कि कोई भी ऑप्शन अगर लेते हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वैल्यू 6450 से कम आनी चाहिए। इसमें देखो सारी वैल्यू जो है ज़्यादा दे रही है, केवल यही दे रहा है, क्योंकि भाई इंस्टॉलमेंट मोड में मैं जा ही तभी रहा हूँ जब मुझे कम देना पड़े इससे, डिवाइडेड बाई 4 से, तभी इंस्टॉलमेंट का फ़ायदा है। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है वो ये है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो बिल्कुल उसी तरीके से, कितने इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, 5% की बात कर रहा है, तो आप सिंपली ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि भैया 100 होगा, 105 होगा, 110 होगा, 115 होगा, और ये वैल्यू इक्विवेलेंट किसके होगी आपकी, 6450 के,
इसको आप सम करो तो आपको मिल जाएगा 430 करिस्पॉन्डिंग टू 6450। आपको निकालना क्या है सर कि 100 किसको करिस्पॉन्ड करेगा, तो आप निकाल के ज़रा देखना। ये 430 है आपका, अब इसमें अगर आप 215 जोड़ दो तो क्या मिलेगा, देखो ज़रा 645 मिल जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आपकी सीधे सीधे हो गई 1500। अगर ये वैल्यू हो गई आपकी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ रहे हो आप, लॉजिक आपको बता दिया मैंने। अब चार इंस्टॉलमेंट हो, तीन इंस्टॉलमेंट हो, दो इंस्टॉलमेंट हो, सब लग जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक बॉय है जो एज्ड है 12 ईयर्स, उसके पास 100,000 रुपये हैं जो कि एक ट्रस्ट के अंडर में है। ट्रस्टी ने क्या किया, कह रहा है कि 6% पर एनम के हिसाब से इसको इन्वेस्ट किया और माइनर बॉय को सम दिया 2500 रुपये एट द एंड ऑफ पॉकेट मनी दे रहे हैं। देखो 2500 रुपये एक साल में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, 2500 रुपीज़ दे रहे हैं एक साल के अंदर में पॉकेट मनी के लिए, और कह रहे हैं ट्रस्ट का खुद का एक्सपेंस जो है वो 500 रुपये पर एनम है। तो बताना है कि कितना अमाउंट इस माइनर बॉय को हैंड ओवर होगा जब वो 18 साल की एज को अटेन कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं दिया, सिंपल इंटरेस्ट ही लगाएंगे, बाकी कोई और मैकेनिज्म उन्होंने कुछ भी नहीं बताई है हमें कि कोई और मैकेनिज्म है जिसमें इंटरेस्ट निकालेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। मतलब सिंपल सी स्टोरी है कि 1000 पे 6% निकाल लो पहले 6 साल के लिए, क्योंकि 12 ईयर्स से 18 ईयर्स का जो गैप है वो 6 साल का है, तो 36% इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी आप जो देख रहे हो ना, ये 100,000 रुपये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इस पर 36% का टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। 6×6, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो ये 36,000 का इंटरेस्ट मिला। अब एक्सपेंसेस में कितना गया, आपको हो गया 2500 यहाँ गया, 2500 यहाँ गया, 3000 पर मंथ चला गया, तो 3000×6 यानी 18,000 यहाँ से कम भी होंगे, तो 36 बढ़ेगा 18 कम होगा, यानी आंसर कितना होगा 1,18,000। बहुत ही आसान सवाल था, मतलब कोई दम नहीं था इसमें अगर आप बेसिक अंडरस्टैंड करते हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सम ऑफ रुपीज एक्स वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टन रेट फॉर 2 ईयर्स, हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट इट वुड हैव फेस्ड 300 रुपीज मोर। आपको बताना क्या है कि द वैल्यू ऑफ 4x इज 6% आपका 300 होगा, 5×4 20,000 क्या कर रहा हूँ समझो। ये कह रहा है कि भाई अमाउंट एक्स है उसको सिंपल इंटरेस्ट पे आपने रखा 2 साल के लिए। अब अगर आपने 3% हायर रेट पे रखा इसको तो 300 रुपये ज़्यादा मिलेगा। भाई अगर 3% हायर रेट पे आप रखते हो, यानी आप इंटरेस्ट जो भी था वो R+3% करने की इच्छा रखते हो, तो अगर R+3% आपने इंटरेस्ट किया तो एक साल में 3% के इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। बात 2 साल की कर रहे हो, यानी 6% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये वैल्यू आपके 300 के बराबर है। अगर ये वैल्यू 300 के बराबर है तो आपका 1% कितना हो गया सर, दिख रहा है नहीं यहाँ पर कि 1% अगर निकालोगे तो 50 आ गया, यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको यहाँ से मालूम चल गया, वो है 5000। यानी x पता चल गया 5000, पूछ क्या रहे हैं 4x क्या होगा आपका 20,000। इतना आसान क्वेश्चन था, तो ज़्यादा टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझने में दीजिए, है ना। तुरंत पेन उठा के जब आप शुरुआत करते हो ना तो अननेसेसरीली लिखते हो, उसमें लिखने में भी एग्जाम में टाइम जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है, तो उसको भी बचाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक मनी लेंडर है, वो क्लेम करता है कि वो मनी को 10% पर एनम के हिसाब से लेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन वो कह रहा है कि इंटरेस्ट को वो एडवांस में ले लेता है, वो नहीं लेंड से सम फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो बताना है कि एक्चुअली में किस इंटरेस्ट पर वो मनी को लेंड कर रहा है। तो देखो ये क्या कह रहा है, सिंपल सी स्टोरी क्या होती है कि एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको 10% लेट से आपने किसी को 100 रुपये लेंड किया, तो आप कहते हो कि मुझे ना 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों एक साथ आपको एक साल बाद वापस करता है, यानी 110 रुपये वापस करता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक काम करो आप मुझे ना, आप मुझे मेरा इंटरेस्ट अभी दो, तो 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, तो ये 100 रुपये इसको लेंड कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है कि 10 रुपये इंटरेस्ट अभी ले रहा है, तो इफेक्टिवली वो क्या कर रहा है, वो 90 रुपीज़ उसको लेंड कर रहा है, अगर इफेक्टिव की बात करो, क्योंकि उसने 10 रुपये तो अभी ले लिया, और एक साल बाद वो क्या करेगा, कहेगा बस प्रिंसिपल दे दो मुझे, क्योंकि इंटरेस्ट तो मैंने पहले तुमसे ले ही लिया था 10%, तो इफेक्टिवली वो 90 रुपीज़ जो है दे रहा है उसको, और 100 रुपये बाद में उसने एक साल में वापस लिया, तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करने आप गए तो वो कितना हो जाएगा 1/9, और 1/9 आपका क्या होता है 11.11%। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक अप्लाई करते तो आसानी से निकलता कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती, उस तरह से आसानी से आंसर आपका आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज गिवन टू बी 102।
तो बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट पर 2 साल का कितना होने वाला है। ओरली मार्क कर सकते हो 100 होगा। भाई पहली बात तो ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, कम ही होगा। इतना तो दिमाग उम्मीद करता हूँ आप लगा सकते हो कि सेम इंटरेस्ट पे सेम टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है तो सिंपल इंटरेस्ट उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन चला गया। अब ज़रा ध्यान से देखो कि क्या गैप इतना ज़्यादा हो सकता है 4% इंटरेस्ट पे। सर जी अगर 10% इंटरेस्ट होता है तो 2 साल में 1% का गैप आता है, यहाँ तो 4% है तो गैप तो और छोटा होने वाला है। तो ये देखो ज़रा, ये ऐसा होगा क्या 50 हो जाएगा? नहीं, तो 100 के अलावा कोई आंसर सही हो नहीं सकता है। बट स्टिल मैं आपको कैलकुलेट भी करा कर दिखाता हूँ। देखिए 4% पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8%। CRSI का डिफरेंस कितना होगा 0.16% होगा। ये 8.16% आ गया आपका। ये वैल्यू आपको दी है 102, ठीक है, ये वैल्यू आपको 102 दी हुई है। अब आपको बताना है कि 8% क्या होगा। तो वो बहुत आसान है क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखो इस पर्टिकुलर वैल्यू को और आप यहाँ से 100% निकालने की कोशिश करो आप, ठीक है, तो आप कहोगे मुझे इस नंबर को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इस नंबर तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये थोड़ा सा इसके बारे में आप दिमाग लगाओ। तो आप कहोगे ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है कि अगर ये 102 है तो इस नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये नंबर मुझे साफ साफ दिख रहा है 8 times, ठीक है। तो अगर मैं 1% की बात करूँ यहाँ पर तो ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे दिख रही है कितना, ये 102 है, मैं इसको 1/8 अगर लिखता हूँ तो एक्चुअली में 1/8 नहीं होगा, ये कुछ 100/8 टाइप का आ जाएगा 1%, ठीक है। तो फिर से मैं 8% अगर निकालने जाता हूँ तो ये 100 ही बचेगा। बहुत आसान था क्वेश्चन, अगर आप सही तरीके से सोचते तो कुछ बचा ही नहीं था। तो यार रफली आप सोचते कि 8.16% अगर 102 है तो मेरा 8% कहाँ बहुत आगे निकल जाएगा। तो अगर क्लोज ऑप्शन होते तब आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ती, वरना नहीं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सम ऑफ मनी इट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 15 years, इट विल बिकम 8 times ऑफ इट सेल्फ इन 45 years। कैसे भाई? देखो आप करो कि 15 साल में डबल होता है, डबल का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2। 15 साल में अगर कुछ भी परसेंटेज चेंज हो, इंटरेस्ट हो, अगर कोई नंबर 2 गुना हो जाता है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगले 15 साल में क्या होगा, फिर से 2 गुना हो जाएगा। अगले 15 साल में क्या होगा, फिर से 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो अगर इक्वल टाइम स्लॉट्स में ले रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वो 2-2 गुना होता रहेगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 15 15 15, यानी 45 years, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कह रहा है कि इफ द अमाउंट इज 2.25 times ऑफ द सम आफ्टर 2 years इट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 50%। कैसे भाई? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी को 2 times अगर हमने सक्सेसिवली इंक्रीज किया तो वो 2.25 times हो गया। 2.25 times आपको क्या है, 1.5 × 1.5 करने से आपको मिलता है 2.25। दो बार किया ना आपने, 1.5 तभी आपको 2.25 मिलेगा। ये 1.5 क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ए सिंगल स्टेप। तो इससे आप निकालो परसेंटेज इंक्रीज क्या है, 50% हो गया। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको कि 50% इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1.5 years इट 4% पर एनम अकॉर्डिंगली इज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई 5,000 पे 1.5 year का आप इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल दो। एक बार जब वो एनुअल कंपाउंडिंग की जाती है, एक बार जब उसकी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की जाती है, और जो रेट इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आपको विजुअली कराऊंगा और आपको बहुत मज़ा आएगा कि ऐसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है क्या। समझदारी जब होती है, जब आपको चीज़ों की क्लैरिटी होती है ना, तो आप बाउंडेड नहीं होते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ध्यान से देखना, विजुलाइज करके इसका आंसर बहुत आसानी से आ चुका है 2.04। कैसे? देखो आपका पहला जो केस है जहां पर आपकी जो कंपाउंडिंग हो रही है वो हो रही है 6 months में, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में। देखो क्या हो रहा है कि 5,000 होगा, 6 months के पीरियड के बाद ये कुछ और हो जाएगा, फिर 6 months, फिर 6 months, ये टोटल कहानी है,
ठीक है। अब मैं जरा इन वैल्यूज़ को लिखूंगा, ये 5000 है तो ये वैल्यू आपकी आप जोड़ोगे ना यहाँ पर 4%, लेकिन 6 मंथ्स की बात कर रहे हो तो आपका ये 2% हो जाएगा, तो 2% आपको दे देगा 5100, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5100, फिर से आपका 2% लगेगा, 51 times 2 102, यानी ये आपका हो गया 5202। मतलब ये मैं फिर से थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो देखने में, ये वैल्यू आपकी 5100 हो गई और ये वैल्यू आपकी 5202 हो गई, और फिर से इस पर 2% लगेगा, फाइनल अमाउंट मिलेगा। जब आपकी एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है 12 मंथ्स में तो आपका 5000 होगा यहाँ पर, और वो पूरी वैल्यू जो है ना 4% लग के पूरे एक साल में 5200 हो जाएगी, प्लस इस पर फिर से 2% लगेगा अगला। यही मतलब होता है ना कंपाउंडिंग का, एनुअल कंपाउंडिंग के केस में जो इंटरेस्ट होता है वो हम जोड़ते हैं एक साल बाद, फिर अगला जो पीरियड है वो 6 महीने का है, 6 मंथ्स का है तो मैंने 2% उठा के लिख दिया। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट का डिफरेंस आने वाला है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करना चाहता हूँ, 6 महीने में ब्रेक करूँगा। तो देखिए जब कंपाउंडिंग एनुअल है एक साल बाद ही प्रिंसिपल बदलेगा, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि पहले 6 महीने 5000 पे 2%, टोटल 4% को ब्रेक कर रहा हूँ, अगले 6 महीने में भी 5000 पे 2% एनुअल कंपाउंडिंग है सर, तो उसको मैंने ऐसे ब्रेक करके दिखा दिया, ठीक है। अब जरा देखना है डिफरेंस इंटरेस्ट का कहाँ आएगा, आपको यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 5000 2% 5000 2% 6 महीने का केस नहीं आने वाला। फिर देखिए डिफरेंस कहाँ से आने वाला है, आप कहोगे यहाँ से डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट है, 100 रुपीज़ पे आएगा 2%, दिख रहा है कि नहीं, 100 रुपीज़ पे 2% आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 5100 पे 2%, 5000 पे 2%, 2% ऑफ 100 यानी 2 रुपीज़ का डिफरेंस तो भैया यहाँ से आ गया। अगला जो डिफरेंस है ना वो दिख रहा है कि मैटर करेगा नहीं, आंसर आपका 2 के बाद 3 फिर 8 फिर 4 दिया हुआ है, यहीं से आंसर आपका आ चुका है ए ऑप्शन, बट स्टिल आपको डिजिट मैच करानी है आत्मा की शांति के लिए तो करवा देता हूँ। अगला जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो 2 रुपीज़ पे आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का 2% निकाल लो सर कितना होता है 0.04 रुपीज़, तो आपका टोटल डिफरेंस हो गया 2.04 रुपीज़। पहला ऑप्शन द विजुअल वे ऑफ सॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कितनी आसानी से हो गया, और अब ना जाने क्या क्या रट रट के बैठ के दिमाग पे इतना बोझा आपने डाल रखा है ना, बेसिक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, कंपाउंडिंग का मतलब साइकिल्स मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे वो जुड़ता है जाके प्रिंसिपल इंटरेस्ट में, इन पे काम करो ना चीज़ें आसान रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्या कह रहे हैं, बिल्डर बोरोस 2550 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 years इन 2 equal ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी। सॉल्व करते हैं, आसान कैलकुलेशन है पर आपको तकलीफ ना हो ये कोशिश करूँगा मैं। देखिए इंस्टॉलमेंट में वही तरीका है कि भाई ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था जो लोन लिया गया, पहले लोन लिया गया, यहाँ लोन का केस है, यहाँ मुझे ड्यू अमाउंट नहीं मालूम है कि भाई 2 साल के अंत में टोटल ड्यू अमाउंट क्या है, नहीं पता, यहाँ पर मुझे पता है कि ये अमाउंट इज ए लोन लिया गया है, अभी 2 साल के बाद इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कितनी होगी, देखो जरा टोटल ड्यू अमाउंट इतना हो जाएगा, 26/25 कैसे लिख रहा हूँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देखिए सर +1/25 जो है इक्विवेलेंट होता है 4% का, कोई भी नंबर अगर 4% से इंक्रीज कर रहा है +1/25 उसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट हुआ, इसका मतलब वो नंबर 26/25 गुना हो गया। ये वही कहानी है जैसे आप 6/5 को 1.2 भी लिखते हो, 1.2 टाइम्स बोलो या 6/5 टाइम्स बोलो, अब यहाँ पर 1.04 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसको 26/25 लिख के चलो, तो ये तो टोटल ड्यू अमाउंट हुआ। अब यहाँ पर आए, एक इंस्टॉलमेंट की किस्त आपने अभी दी होगी वो तो एक्स ही रहेगी, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की किस्त आपने एक साल पहले दी होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अब 1.04 टाइम्स या फिर 26/25 टाइम्स। सॉल्व करो जरा, आप कहोगे 1/25 से तो ये गया, कितना आ गया 102 × 26 × 26, 1/25 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, टोटल देखना आपका क्या आ गया 51 times x, और यहाँ पर आपका है 102 × 26 × 26, ये वैल्यू कितनी हो गई 2 times, x की वैल्यू कितनी आ गई 676 × 2 1352। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी पर बहुत आसान कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप को बेहतर बनाने की, है ना, तो ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं है, तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, 26/25 लिख के बहुत आसानी से हो गई। लॉजिक समझिए, बस लॉजिक ये है कि हम t = 2 years 2 साल के अंत में नेट वैल्यूज बराबर कर रहे हैं, बस हो गया आंसर, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 5000 इट 8% पर एनम फॉर 9 मंथ्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हो आप, तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 2% हो गया एक क्वार्टर का। मैं 5000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान समझना, और आप बात करो थ्री क्वार्टर्स की, कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हो क्वार्टरली, तो मुझे क्वार्टरली इंटरेस्ट लिख के ऐसे सक्सेसिव लगाना पड़ेगा 3 बार, 1 1 1 वन पीरियड मतलब 3 मंथ्स। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ 500 का 2% जो आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 100। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो पिछले साल के इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो ये अगर 100 है तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 102, क्योंकि आप 2% यहाँ बढ़ा दोगे। फिर आप आगे जाओगे तो ये वैल्यू आप निकालोगे, ये भी 2% बड़ी होगी, इसका 2% अगर आप निकालते हो तो ये होगी आपकी 2.04। यहीं से आंसर आ गया कि लास्ट में 0.04 आने वाला है, क्योंकि बाकी तो सारे नंबर इंटीजर में थे, 0.04 अगर लास्ट में आने वाला है तो केवल सी सही हो सकता है। अगर दो ऑप्शन में 0.04 होते तो भी कोई तकलीफ नहीं थी, आप जोड़ लेते सर यहाँ से, कि ये आपका हो गया सिंपल सा, देखो एक साल में आपका यहाँ साफ साफ दिखा कि इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 100 रुपीज़, फिर 102 हुआ आपका, और ये आपका 104.4 हो गया। टोटल अगर आप ऐड कर लेते तो आपको वैल्यू मिल जाती कि 106.04 होगी, है ना। कैलकुलेट कर लो, कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाई सुरेश ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज गिवन। मतलब 2 साल के अंत में 8% पर एनम के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 1414.4 मिला। अब कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो सुरेश को मिला होगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न, ये हमें बताना है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के मिला टोटल अमाउंट कितना मिला अगर इतना इंटरेस्ट है 8% के हिसाब से। तो देखिए, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, पहले तो आपको ये सोचना है कि 8% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा कितना। 16.64% का टोटल इंटरेस्ट होगा, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1414.4, ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है, आप जरा ध्यान से देखो, मुझे निकालना है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होगा। इतना देखते ही मुझे पता है कि जो मेरा आंसर आने वाला है वो बी ऑप्शन है। आप कहोगे इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, समझाता हूँ। देखो, इस परसेंटेज को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि लगभग 1/6 है। अगर ये वैल्यू लगभग 1/6 है तो मेरी ओरिजिनल जो वैल्यू होगी, आप जरा ध्यान से देखना, वो क्या होगी। आप अगर ये ऑल्दो 1/6 एग्जैक्टली नहीं है बट वेरी क्लोज है ना, 16.66, 16.64, तो आपको ये वैल्यू मेरी हो जाएगी सिंपल सा, अगर मैं करता हूँ तो 84, और यहाँ पर ये भी वैल्यू आपको क्या देगा, 84, 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर 2.4, कुछ ऐसा आ जाएगा, 8500 के आसपास आ रहा है। अब ये वैल्यू आप ज़रा ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, इसमें आप लगभग इंटरेस्ट ज़रा जोड़ो, अगर आप इंटरेस्ट इसमें जोड़ रहे हो तो आप लगभग किसके करीब पहुँच रहे हो, 10,000 के आसपास पहुँच रहे हो। एक ही ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन, ज़्यादा कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ये वैल्यू अगर 8500 के आसपास आ गई तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 10,000 के आसपास, खत्म क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं करना था इसमें, कि आप अननेसेसरी कैलकुलेशन में उलझ गए और समय की बर्बादी कर दी, ठीक है। इवन आपको ये वैल्यू जो आपने लिखी है 16.64, इसमें अगर तकलीफ हो रही तो भाई ये कुछ नहीं है, ये 8% का सक्सेसिव परसेंटेज टोटल है 2 बार का, क्योंकि वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो मैंने लिखा कि CI कितना होगा 16, और CISI में डिफरेंस कितना होगा आपको पता ही है, 8 का स्क्वायर लेके 100 से डिवाइड करना, 0.64, तो इसीलिए वो 16.64% मैंने डायरेक्ट उठा के लिख दिया, इतना सही होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपको भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹84,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज गिवन, वॉट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन द सेम पीरियड, ठीक है। अब देखिए, मैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आपको कराने जा रहा हूँ, और जरा ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ कि जब आपने ये देखा कि सिंपल इंटरेस्ट टोटल जो है 3 साल का 30240 है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा, आपको वो होगा 10,080। अब ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है कि इसका 12% है, कैसे, ये वैल्यू है 8400 प्लस आपका 1680, ये जो है साफ साफ मुझे दिख रहा है कि भाई 1% 84 आपका निकल गया है 840, उसका 2% है, डबल है 1680, 12% मुझे साफ साफ दिख गया, मुझे इंटरेस्ट मालूम चल गया। अब देखिए, जब मुझे इंटरेस्ट पता चल जाता है, इंटरेस्ट पता चलने के बाद मैं कैसे अपना आंसर मार्क करूंगा, बहुत आसानी से करूंगा। मुझे पता है कि सर अगर ये 10% होता तो 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता वो कितना होता,
3.1% का स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ा चुका हूँ आपको, 3.1% का गैप होता। यहाँ पर ध्यान से देखो 1% कितना है, 840 के आसपास है। अगर आपने इसका 3% निकालने की कोशिश करी तो 2500 के आसपास आएगा, यानी जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसमें लगभग 2500 से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तब मैं जाके जो है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है। आप ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पर 30240 में अगर आप 2500 जोड़ते हो, 2500 जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो कहाँ मिलेगी आपको पता है ना, कि इससे भी आगे निकल जाएगी। और चूंकि इंटरेस्ट 12% है तो एक्चुअल वैल्यू उससे भी आगे होगी, यानी एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है डी ऑप्शन। ओरली मार्क कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को भी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। आप देखोगे और इस क्वेश्चन को मार्क करोगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। देखिए दूसरा तरीका और भी है, बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ, पर ये सिंपलेस्ट तरीका था जिसमें आपने देखा और मार्क कर दिया बिना किसी टेंशन के। देखिए दूसरा तरीका था कि जब आपको 12% मिल गया तो 12% मिलने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने चले जाते, और कैसे करते वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले साल का जो इंटरेस्ट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 10,080 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10,080 होगा। अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो इससे 12% ज़्यादा होगा। 12% निकालना तो ये 80 को भूल जाना, क्योंकि 80 का 12% मतलब क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 10 के आसपास होगा। ऑप्शन में अच्छा खासा गैप है सर, छोड़ दो, 10,000 के हिसाब से 12 निकालो, ये 1200 बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो अगले साल का इंटरेस्ट निकालना है ना, तो इस बढ़ी हुई वैल्यू से, ठीक है। हर साल क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है ना वो 12% से बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10,080 प्लस 1200 होगा। फिर से आप 12% निकालोगे तो देखो ये तो आएगा ही, इसका 1200 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी आप ज़रा निकालो, जो एक्स्ट्रा आपने 1200 निकाला यहाँ 12% के हिसाब से, उसका फिर से 12%, तो इस 1200 का 12% मतलब 144 हो गया। अब देखो 3 साल का इंटरेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, और 10,080 को 3 बार ले लो तो वो वैल्यू आपकी, तो साफ साफ दिख रही है सिंपल इंटरेस्ट हो गई 30240 प्लस में बढ़ाना कितना है, लगभग 1200 और 1344, 2500 के आसपास, 2500 समथिंग। तो मुझे साफ साफ वैल्यू जाती हुई दिख रही है वो 32 प्लस, मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया ही नहीं है, तो एग्जैक्टली अगर मैंने कैलकुलेट किया नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मेरा पर्पज़ यहाँ पर यह है कि मेरे को आंसर मिल जाए, अप्रॉक्सीमेट करके अगर आंसर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना होता तो और एग्जैक्ट कैलकुलेट करते। जिनको एग्जैक्टली निकालने की इच्छा है आप निकालो इसका 12% एग्जैक्ट, जो भी है इसमें ऐड करो, यहाँ लिखो उसका 12% निकालो एग्जैक्ट, यहाँ लिखो जोड़ डालो, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट भी निकल आएगा, बट दिस इज हाउ यू विल डू इट क्विकली, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया सर्टेन अकाउंट में, 2 डिफरेंट स्कीम है ए और बी, और स्कीम ए ने कहा कि 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया, स्कीम बी ने क्या किया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर किया 10% पर एनम, और ये कह रहा है स्कीम ए में 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट एक्री हुआ वो 3600 हुआ, और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड दिया था 35,000, तो मैं बताना क्या है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी क्या होगा, 4200 सर, इतना जल्दी, हाँ इतना जल्दी करना है, ध्यान से देखो 3600 जो इंटरेस्ट आया स्कीम ए में, आप मुझे बताओ 12% के हिसाब से 2 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 24%, यहाँ से जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हुआ है मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 15,000 इन्वेस्ट हुआ स्कीम ए में, 15,000 अगर स्कीम ए में इन्वेस्ट हुआ तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट हुआ 20,000, और 20,000 में 10% पर एनम का इंटरेस्ट आपने दिया है, 2 साल की बात करो तो 21% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, 21% ऑफ 20,000 कितना हो गया 4200। तो सवाल जितना भयानक लिखा होता है ना उतना भयानक होता नहीं है, उसको बस पढ़ के जो की एरियाज हैं वो आप पकड़ लो, अगर की एरियाज आपने पकड़ लिए तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचेगा, आप तो क्वेश्चन को ऐसे ओरली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, अभिषेक इन्वेस्टेड इन अमाउंट ऑफ ₹29,000 इन 2 parts अंडर 2 different स्कीम्स ए एंड बी एंड अर्न ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3840, 2 स्कीम्स में टोटल अमाउंट 29,000 है, कुछ पार्ट इसमें कुछ पार्ट इसमें इन्वेस्ट किया तो ये मिला टोटल इंटरेस्ट। बताना क्या है कि जो इंटरेस्ट स्कीम्स में है वो 15% और 12% है, तो आपको बताना है व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट दैट वाज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो बहुत आसान सवाल है, एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे फटाक से निकलेगा, तो एक चीज़ करते क्या है कि ये 0-0 काट दो, जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 15% निकालेंगे तो यहाँ से काम हो जाएगा, 12% निकालेंगे तो काम है, 0 मैंने काट दिया है, रेशियो निकालना है ना अल्टीमेटली, 1-0 काटने का फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में जब हम इसका 15% निकालने जाएंगे तो ये 2-0 रहेंगे तो इंटीजर ही रहेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई टोटल इंटरेस्ट मिला 384, अगर पूरा अमाउंट 15% से इन्वेस्ट किया गया होता तो आप ज़रा बताओ
कितना इंटरेस्ट मिलता, तो आप कहते 290 प्लस 145, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिलती। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं 15% कैसे निकाल रहा हूँ मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने निकाला पहले 10%, तो 290 आ गया, फिर मैंने निकाला 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी है 145, तो ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू कितनी होगी 435, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने अगर 12% पे टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया होता तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता, तो आप कहते 290 तो आपका 10% होता, 2% और निकालते तो 58 और जोड़ते, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 348, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा डिफरेंस निकालो, तो ये डिफरेंस आपका 36 आ गया और यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आ गया 51, राइट, डिवाइड करो जरा 3 से, 12:17 आ गया, टोटल कितने हो गए 29 पार्ट्स, टोटल अमाउंट कितना है 29,000। तो स्कीम ए और स्कीम बी की अगर हम बात करेंगे तो 12 और 17 कितना है 29 है, तो ये 12,000 हो गया, ये 17,000 हो गया, टोटल अमाउंट 29,000, तो स्कीम ए में कितना गया 12,000, कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या कि यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पर उठा के रख दिया, और फिर हमने निकाला कि टोटल अमाउंट को अगर हमने 15% पे इन्वेस्ट किया होता तो इतना मिलता, टोटल अमाउंट को इतने पे किया होता तो मुझे इतना मिलता 12% पे, तो इनका मिक्सचर मुझे इतना दे रहा है तो इनका रेशियो क्या है, निकल गया आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1750 आफ्टर 7 ईयर्स, हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्नड, नहीं बता सकते, क्यों सर, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हम, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है केवल इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल हम नहीं निकाल सकते इस इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि 2% अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होता तो कितना और इंटरेस्ट मिला होता, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, इनकम्प्लीट डेटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि धर्मा इन्वेस्टेड ₹P फॉर 3 years इन ए स्कीम ए विच ऑफर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, वेरी गुड, सी ऑल्सो इन्वेस्टेड ₹P प्लस 400 इन स्कीम बी विच ऑफर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, फॉर 2 years, राइट, तो कह रहा है कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए वॉज लेस देन दैट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी बाई ₹304, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो यहाँ से आपका 304 दिया हुआ है, वहाँ पर वो वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 400, 21% 84 और आ जाएगा, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी आपकी 484, डिफरेंस हो गया आपका 180, 15% अगर 180 के बराबर है तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 1200, क्या कर रहा था समझाता हूँ। देखिए सर, पहली चीज़ तो आप ये समझो कि पहले जो डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ डिफरेंस दिया हुआ कि दोनों स्कीम्स में जो मिला उसका डिफरेंस 304 का है, तो पहला डिफरेंस तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है उसी में दिख रहा है, कितने का डिफरेंस है 400 का, ठीक है, एक में पी लगा एक में पी प्लस 400 लगा, सीधा सीधा डिफरेंस पहले ही 400 का बना हुआ है, स्कीम बी जो है ए से 400 ज़्यादा है इनिशियल। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो देखो क्या क्या गेन हो रहा है, अब 400 स्कीम बी ज़्यादा है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर जो गेन होगा 12% के हिसाब से 3 साल का वो 36% का गेन है, राइट, तो वो क्या करेगा, ये जो मार्जिन आपका है, ये जो गैप है, बी ऑलरेडी लीड कर रहा था लेकिन ए क्या करेगा 36% लाने से इसको 36% कम कर देगा, ठीक है, ये लीड कम होगा, पहले बी का लीड था लेकिन ए ने इतना गेन किया तो ये माइनस हुआ, लेकिन ए ने भी तो 21% गेन किया, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल में 21% गेन किया, तो ये भी लिख दिया मैंने प्लस 21%, प्लस ए ने और भी गेन किया, ये 400 का 21%, क्योंकि भैया 400 पी प्लस 400 अमाउंट इन्वेस्टेड है ना, तो उस 400 पे भी 21% निकालो तो वो वैल्यू कितनी आ गई 84 आ गई, और ये डिफरेंस आपको दे रखा है कितना 304, देखो तो यहाँ से 15% आया उधर लेके जाओ 15% हो गया, ये वैल्यू 484 माइनस 304 आपका हो गया 180, यही मैं कर रहा था, आंसर क्या हो गया 1200, 100% निकाल लो यहाँ से, 1% 1.2 आ गया ना आपका, 100% कितना हो गया आपका 1200 रुपये, तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो सकती है अगर आप शुरू से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो और मेंटली थोड़ा आदत है चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हो, तो जो काम आप कॉपी पे करते हो वो दिमाग में कहीं ज़्यादा तेज कर सकते हो। मैंने क्या किया, पहले मैं जान रहा था कि यहाँ डिफरेंस ऑलरेडी 400 है, 36% गेन किया ए ने उसको माइनस किया, बी ने 21% गेन किया उसको प्लस किया, साथ में बी ने ये भी गेन किया क्योंकि यहाँ पर क्या है ये सर, ये वैल्यू है पी प्लस 400, तो पी पे तो 21% का गेन हुआ है मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन 400 पे भी तो 21% का गेन हुआ, 10% ट्वाइस कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इट 10% पर एनम इज ₹525,
तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है उसी सम पे डबल टाइम और हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डबल टाइम और हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, वही बात हुई ना। सिंपल इंटरेस्ट में जो टोटल इंटरेस्ट डिसाइड करता है वो टाइम और रेट। आप कह रहे हो कि टाइम को आपने डबल कर दिया, रेट को हाफ कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब मुझे यही निकालना है कि भाई 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 525 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप पहली बात तो कहोगे ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा, और कम ही होगा तो पास में ही होगा, 500 ही होगा। तो चलिए समझते हैं क्या दिया हुआ। देखिए 21% कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 साल का कितना होगा, 21%, वो कितना दिया है आपको 525। आपको निकालना क्या है, 20%। तो 20% कैसे निकलेगा सर, ये नंबर ज़रा ध्यान से देखो। 21 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो, 25 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको मिलता है 525। तो अगर मेरे पास 20 है तो मैं इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, 500 हो गया आंसर, करेक्ट आंसर हो गया 500 एनी, ठीक है। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन लगते हैं अगर आप सही से इसको करो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि रमन इन्वेस्टेड पी फॉर 2 ईयर्स इन स्कीम ए विच ऑफर 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ही लेंड द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए टू शुभ एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स शुभ गेव ₹3036 टू रमन एंड देयर बाई रीपेड द होल अमाउंट लोन प्लस इंटरेस्ट। तो बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अब देखिए बहुत आसान सवाल है ये, आप देखिए 2020 के हिसाब से आपको मिल जाएगा 44%, 44% का निकालेंगे 15%, 6.6, ठीक है, 50.6% आपका 3036 हो गया, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 6000 आंसर हो गया। अब मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर पहली बात तो 20% का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है तो जो टोटल वैल्यू उसको मिलने वाली है वो क्या होगा, इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो 44% हो जाएगा यहाँ पर, 44% ऑफ द प्रिंसिपल। अब आप कह रहे हो कि इसका ना इसको बढ़ा रहा है 15% से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो भी इंटरेस्ट मिला उसको 44% का, उसने 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पे किसी और को दे दिया, शुभ को दे दिया सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 2 साल में टोटल इंटरेस्ट इस पे कितना आएगा, इस 44% के इक्विवेलेंट जो अमाउंट है उस पे 15% और लग जाएगा। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये कितना होगा, ये 44 रिज्यूम कर लो, ये परसेंटेज भूल जाओ, बाद में लगा देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 15% अगर 44 का निकालना है तो 15% पहले निकालो 40 का, हो जाएगा 6, 15% 4 का फिर क्या होगा 0.6, जोड़ दो कितना हो गया 50.6। अब परसेंटेज जो हटा लिया था वो लगा दिया। अब ये वैल्यू आप कह रहे हो कि 50.6% जो है वो 3036 के बराबर है, यहाँ से 1 निकालो आप जरा, 1% कितना होगा आपका, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 1% आपका 60 के बराबर हो गया, है ना, देखो ना 60 टाइम्स ले जाओ तो क्या होगा, ये वैल्यू जो आपकी दी हुई है ये 3036 आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 6000 आसानी से आंसर निकल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट्स इन टू स्कीम्स ए एंड बी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्कीम ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट व्हाइल स्कीम बी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 ईयर्स ही गॉट ₹1920 फ्रॉम स्कीम ए एज इंटरेस्ट एंड ₹2112 फ्रॉम स्कीम बी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 4%, वॉट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम बोथ द स्कीम्स। समझाता हूँ सवाल को क्या है। देखिए पहले तो मुझे अगर 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट दिया है, क्वेश्चन कितना भयानक लग रहा है, नहीं सेम रेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि अगर इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया सेम रेट से किया गया तो 2 ईयर्स का अगर सिंपल इंटरेस्ट 1920 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 960, हाफ ऑफ इट। और जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है वही 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग की बात उन्होंने कुछ की नहीं तो वो कंपाउंडिंग एनुअली होगा। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही बात है, 960 लिखा। जैसे मैंने ये लिखा मुझे ये पता लग गया कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल 2 साल का 2112 है तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 1152 होगा, तभी ये मिला के 2112 होगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। ये लिखते ही मुझे मालूम है कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यू मुझे यहाँ साफ साफ दिख रही है 192 अप है, जिसका मतलब है 20%। तो जो अगले साल का इंटरेस्ट पहले साल के इंटरेस्ट से कितना परसेंट ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही रेट परसेंट होता है, रेट परसेंट मुझे मिल गया 20%। अब रेट परसेंट मुझे 20% मिल गया तो मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, रेट परसेंट मालूम है, मैं आगे दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो 20% अगर रेट परसेंट है सर, तो आप मुझे ज़रा एक चीज़ बता देना कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 40% किसके बराबर दिया है, 1920 के 2 साल का 40% 1920, यहाँ से 100% ज़रा निकालो,
कितना आ रहा है 4800, ठीक है, 48 टाइम्स 4 आपका होता है 192, तो ये 4800 हो गया 100%। अब देखना जो SI आपका होगा वो कितना होगा, 40% होगा, जो आपका CI होगा उस केस में वो 44% होगा, पर हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है कि अगर 4% इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाए तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सम क्या होगा। अब जरा ध्यान से समझो, ये चीज़ जरा ध्यान समझते हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझो यहाँ पर कि भाई ये प्रिंसिपल है मेरा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। आप कहोगे अब आप इंटरेस्ट को 24% करने जा रहे हो, 24% अगर आपने इंटरेस्ट किया तो आप जरा ध्यान से देखना कि जो SI होगा टोटल वो तो हो गया आपका 48%, और जो CI होगा वो मैं लिख रहा हूँ कि ये होगा 48% यानी SI प्लस जो CI और SI का डिफरेंस होता है 24% इंटरेस्ट पे CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो 5.76% होगा। आपको याद होगा कल का डिस्कशन, पिछली क्लास का डिस्कशन कि 24 को स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो तो 576/100 5.76% हो गया। अब टोटल SI CI का जो सम है वहाँ पर आप देखो जरा ध्यान से, तो इसका सम कितना आ रहा है 101.76%। अब ध्यान से देखो कैसे लिखूंगा मैं 4800, तो 101% तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वो कितना हो गया 48 और फिर 1% 48, फिर 0.76% सर मुझे लिखना है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे 0.76% लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, एक तो मैं लिखूंगा पहले तो 0.75%, 0.75% लिखने के लिए मुझे 1% पता है 48 है, 1% अगर 48 है तो इसका 3/4 निकालूंगा, 3/4 कितना आ गया 36 है ना, तो यहाँ 36 जुड़ेगा, ये हो गया आपका 0.75%। फिर मुझे 0.01% भी चाहिए। अब ध्यान से देखना 0.01% क्या होगा, 48 आपका 1% था, 0.01% क्या हो जाएगा 0.48। अब जरा ध्यान से देखो आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आ गया 48 और यहाँ से आप सम करोगे 84.48, तो 84.48 आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा लगा कि कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव है नहीं, अगर आप सही से लॉजिक समझते हो तो कैलकुलेटिव इतना है नहीं जितना आपको दिख रहा है। ऑप्शंस बिल्कुल बहुत क्लोज थे बट कितना मुश्किल पड़ा, जरा ध्यान से देखो हमने जहां पर ये वैल्यू लिखी 101.76%, उसके बाद क्या कर रहे हैं 100%, 1%, 0.75%, 0.01% हो गया। इस कैलकुलेशन को मैं तो कैलकुलेशन नहीं समझता हूँ, आपको लगता होगा तो आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए हमने टोटल अभी 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 14 क्वेश्चन कल किए थे, 26 क्वेश्चंस हमने आज किए। ओवरऑल देखिए आपको कहीं ना कहीं एक CI का पर्सपेक्टिव मुझे देना था कि अब इसको आप फाउंडेशन बना के आगे बढ़ो, आप फार्मूलों को छोड़ दो, फार्मूलों से कुछ नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करते हो ना तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की बात मत करो कि ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे तो क्या होगा, यहाँ भी बहुत क्लोज ऑप्शन थे तो क्या मैंने फार्मूला लगा दिया, नहीं लगाया। वो बेसिक स्ट्रक्चर था कि देखिए पहले रेट परसेंट निकाला, रेट परसेंट निकालने के बाद फिर टोटल CI सही का आराम से निकालाया। तो जो भी क्वेश्चन है आप उनको पहली बात तो फार्मूला छोड़ दो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का होगा वो परसेंटेज स्ट्रक्चर होगा, और अगर वो परसेंटेज स्ट्रक्चर है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये CI का भी डिस्कशन पसंद आया होगा। देखिए क्रैश कोर्स की जरूर लिमिटेशन होती है तो हम अनलिमिटेड डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उसके थ्रू मैं आपको कम से कम इस तरह की लर्निंग दूं कि आपका कंप्लीट थॉट प्रोसेस ओवरहॉल हो जाए, और कहीं ना कहीं जो आगे आप कुछ भी करने वाले हो वो कम से कम सेल्फ इंडिपेंडेंटली आप करने की कोशिश करो, आप सोचने की कोशिश करो। और जितना आप बेहतर सोचोगे, केवल सोल्यूशन देखने से कुछ नहीं होता कि आपने किताब उठाई उसके 100 सवालों के सोल्यूशन देख के समझ लिया तो आप इम्प्रूव कर जाओगे, नहीं, जब तक ये सोच डेवलप नहीं करोगे आप तब तक नहीं होगा। और मैंने इतनी पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं इस तरह से सिचुएशंस दिखा पाऊँ, चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि आप उस नई सोच पे काम करें। देखिए कोई सवाल कठिन नहीं होता, आसान नहीं होता, जब आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में रिएक्शंस बेहतर हो जाते हैं ना तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपके रिएक्शन ऑटोमेटिक बेहतर होते हैं। इसी क्वेश्चन का एग्जांपल बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के पहला पार्ट क्या है, रेट परसेंट कैलकुलेट करना, वो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है ना भाई, SI दे दिया गया 2 साल का, CI दे दिया 2 साल का, रेट परसेंट निकालो, उसके बाद अगला पार्ट आया। तो कोई भी क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट को जब आप कंबाइन कर देते हो, दो बड़े क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं सिंपल उनको कंबाइन किया तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट होता नहीं। आप जितना बेहतर रिएक्शन रखोगे उतना फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो लेसन सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी
रीच होनी चाहिए, सबको इस कोर्स का फ़ायदा मिले, ये हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखिए क्यू मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, आपको अपनी थॉट प्रोसेस में एक बेहतर कहते ना सोच डेवलप करने का आपके सामने एक मौका है। और मैं आपको फार्मूला फ्री इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं कभी फार्मूला लगाता नहीं हूँ किसी भी सवाल करने में, ठीक है। फॉरगेट अबाउट एडवांस मैथ, क्योंकि वहाँ कुछ बेसिक फार्मूले हैं भाई, ट्रायंगल का एरिया तो वो तो देखना ही पड़ेगा, बट वो बड़े बड़े थ्योरम्स मुझे वहाँ भी नहीं आते, उनकी मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, मेरा काम हो जाता है। तो मिनिमलिस्टिक हूँ मैं फार्मूले के टर्म्स में, अरिथमेटिक में नो फार्मूला, एडवांस मैथ में भी वही बेसिक फार्मूले जो आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। और कई फार्मूले तो मैं बोलूँगा भूल जाओ। तो आप सोच अगर डेवलप करते हो, लॉजिक पे काम करते हो, थोड़ा बहुत ऑप्शन का इस्तेमाल, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की जो कमी है उनका इस्तेमाल, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आराम से आप निकालोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे ताकि आप भी फार्मूला फ्री बन सकें। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।